तो दोस्तों अपना दुख मैंने अपने साथ शेयर कर दिया, अब क्या करूं, आप लोग तो मेरे साथी साथी मेरे हाथी हाँ, कितना बार बोलिए कितना हाँ हो करो हाँ 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 मेरा दर्द है, ऐसे मत करो। आ गए पापा, आ गए आ गए आ गए। मेरा फुल्ला फोन आता है तो उसको पता चल जाता है कैसे कि आपका फोन आया है और आप आने वाले होंगे। बड़ा बड़ा केला लेके आए हैं, कुकड़ा के लिए मेरे बड़ा बड़ा केला ला है। ले ये आप टेबल पे रखिए, टेबल पे रखिए। हाँ वहाँ नहीं, टेबल टेबल पे रखिए। हाँ बेटा आप पहुँच जाती है। हाँ बेटा केला तुम्हारा मेरा मत नोचो ना। ये दही, ये आपका पानी पूरी, हाँ। दही दूध और ये मेरे बच्चे का। वाह केला बहुत बड़े बड़े मस्त वाले लग रहे हैं जानू। इसलिए तो ले ली, देखो ना। यार सही बात है, बहुत बड़े बड़े मस्त वाले मजेदार। देखिए 60 रुपए बोला। हाँ हमारे भाव भैया इतना अच्छा ले लो यार। नहीं यार जो 50 रुपए वाले दर्जन लाते थे ना, वो पिद्दी पिद्दी छोटा छोटा है, इसका मतलब 60 रुपए है, बहुत बड़ा बड़ा है, मस्त है। ये कितनी हो रही एक्साइटेड कि पापा जी बड़ा वाला केला लाए हैं। हाँ नहीं नहीं वही ना, बहुत देख के है। अरे वही तो देख के मस्त लग रहा है। हाँ बेटा हाँ, अरे अरे रे, अरे आराम आराम से खुले आराम से। हाँ हाँ मैं बैठ नहीं रहा था, क्यों पता है? हाँ 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 क्या तो फोल्डिंग का लोहा होगा तो मैं ऐसे खड़ा था। ऐसा क्या? अभी याद आया, नहीं भाई हम तो अमीर हो गए। एक्सपीरियंस डाल लीजिए जानू, तो बेड का उसका डाल लीजिए कि अब वो नहीं रहा है ना, अब बेड आ चुका है ना। दिमाग में नहीं बेटा, तू अमीर हो गया बेटा, लोग रईस हो गए हैं। हाँ पापा देखो 50 की जगह 60 वाला कर केला लाने लग गए हैं, है ना। वाह 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 वाह, ये एंजॉय कर रही है ना। अभी तक आज तुमको पानी पूरी खिलाया था, बड़ी दिन से जीत कर रहे थे, खा लो। हाँ इस खुशी में मेरे लिए भी पानी पूरी आया है, मैं भी पानी पूरी खाऊंगी। अभी तो बेड में सो रही थी आराम से, पता है आपका फोन आया तो उठ के बैठ गई, फिर नीचे वहाँ पे कारपेट पे वही बैठ के आपका इंतजार कर रही थी। नहीं कम से कम ठंड का मौसम था तो कम से कम जब हाँ। दिन में चलते फिरते कम से कम कारपेट पे रहे, अच्छा लगा यार, अच्छा खर खर के लाए, देखो अच्छा है ना। थैंक यू सो मच, दिखने में अच्छा लग रहा है। मुझे बोल दीजिए तुमने मुझे जस्ती दिलवाया, ये है क्योंकि लेते तो है नहीं आप। मेरे पास था मुझे जिसमें 3-3 होल थे। नहीं पता नहीं वो सब कुकी खाका के होल की थी, और इतने सारे मुझे हैं जिसके कोई जोड़ा है नहीं, सबको आपने अकेला कर दिया है सबको आपने। तो फ्रेश होइए फिर हम मिलते हैं। दोस्तों हम लोग के खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और डार्लिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, पत्ता गोभी और क्या चाहिए, आलू है ना, आलू मटर पत्ता गोभी की सूखी सूखी सब्जी बनेगी, और मैं वहाँ सांभर का प्रिपरेशन में लगा हुआ है कि सांभर भी बनेगी, दोनों चीज बनाएंगे, और रोटी चावल साथ मिक्स करके खाओ। रोटी चावल मिक्स, दिन का चावल बच गया है ऑलरेडी, दाल भी बचा हुआ दिन का, तो उसको भी गरम करके मैंने डाल दिया है। तो सांभर ये सब चीज बनाते हैं, और मैं लगा वो बर्तन साफ करने में और थोड़ा सांभर की तैयारी करने में, तो फिर मिलते रहेंगे दोस्तों आपसे। तो दोस्तों मेरी भी सब्जी वब्जी कटिंग हो चुकी है, और ये मेरे पति देव लगे हुए सब्जी बनाने में, मैंने कटिंग करने में उनकी हेल्प कर दिया है, और आराम से यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ, जिससे क्या है कि आराम से मैं गपशप करती रहती हूँ। हाँ। और है ना, और थोड़ा मजा आता है, होता है। हाँ और थोड़ा इंस्ट्रक्ट भी करती रहती, कुछ जरूरत होती है कुछ पूछा पाछी करते रहते हैं, अब क्या करना है कैसे ना, तो वो भी उनको बताती रहती हूँ। और दोस्तों और बैठी हूँ तो सोची कि इनसे तो गपशप मेरी लगी रहती है, तो मैं सोची थोड़ा सा बैठ के आपके साथ गपशप कर लूँ, आपको अपना दुखड़ा बता दूँ, है ना, क्योंकि मेरे दुख सुख के साथ ही तो आप ही लोग हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोग के साथ तो बता के हल्का होती हूँ, दिल की हालत मेरी हल्की होती है। तो हुआ ये कि मेरी एनिवर्सरी हम दोनों की, मेरी क्या हम दोनों की एनिवर्सरी आ रही है, और सब चौपट पे चौपट होता जा रहा है, क्योंकि जैसा प्लान था जैसा सोचे थे ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पहले तो क्या था कि मैंने इनके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था कि ये घर पे मैं पार्टी रखूँगी, एनिवर्सरी पार्टी रखूँगी, जिसमें पूरे करीबी फ्रेंड करीबी जो लोग हैं वो इनवाइटेड रहेंगे, उनको बुलाऊँगी, बढ़िया घर में बढ़िया खाना पीना सब रखूँगी, ऐसा सा पार्टी का वो करी थी, सोचा था मैंने कि ये सब करूँगी, और इसके लिए पहले से प्रिपरेशन कर भी रही थी मैं, मेरा पूरा वो था। फिर क्या हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी के कारण ये चीज़ कैंसिल हुई, क्योंकि मुझे पता था कि ये भी कुछ ना कुछ तो प्लान करेंगे ही, प्लान कर ही रहे होंगे ये वो है।
तो फिर क्या करते, मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत लो हो रही थी। तो इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं मत करो, क्योंकि मैंने इनको बता दिया था कि मैं कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ, ऐसा वैसा ये है वो है, घर पे ही मैं कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि देखो तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो अभी किसी भी टाइप से मत लो अपने ऊपर, क्योंकि तुम थक जाओगी, ये सब वो सब है। तो अपनी हालत देखते हुए फिर वो मैंने कैंसिल कर दिया। फिर इन्होंने सरप्राइज़ प्लान किया था मेरे लिए बाहर। फिर ये हुआ कि इनकी तरफ से कुछ बाहर सरप्राइज़ प्लान है मेरे लिए, ऐसा वैसा। तो वो तो जब कैंसिल हो गया तब फिर खुल के एक दूसरे को बता दिए क्या है क्या नहीं। फिर इन्होंने बता दिया कि मेरे तरफ से भी सरप्राइज़, मतलब इन्होंने बोला कि मेरी तरफ से सरप्राइज़ प्लान है बाहर है, जो होगा बाहर होगा, ये वो होगा, क्योंकि ना तुम थकोगी ना मैं थकूँगा, कुछ नहीं होगा, आराम से सब कुछ सेटल्ड रहेगा, बस अपन बाहर चलेंगे, क्या है क्या नहीं है वक्त आने पर बताऊँगा, ऐसा ऐसा। फिर जब चौपट हो गया तो पता चला कि इनका भी प्लान था कि बाहर होटल वगैरह, इनकी बात भी हो गई थी, वहाँ के होटल के मैनेजर से बात हो गई, सब कुछ डन हो गया था, बुकिंग वुकिंग सोचे थे कि टाइम से। ये क्या कर रही हो, कुकी क्या कर रही हो, देखो हम डिस्टर्ब कर रही है ये, मैंने तो बाल मेरे का खड़े खड़े हो जाते हैं ये। कहाँ है कुकी? यहाँ पर क्या कर रही है, मार रही है। नहीं मारा बेटा, इनकी भी होटल में पूरी बात आत हो गई थी एनिवर्सरी पार्टी को लेके, क्या क्या चीज़ होना है, और उन्होंने सोचा था कि एनिवर्सरी पहले पहले बुकिंग कर देंगी, ये वो है प्लान ठिकाना, वो भी था उसमें भी यही था कि बढ़िया। इन्होंने भी प्लान किया था कि हम लोग करीबी फ्रेंड सर्कल, फैमिली और फ्रेंड सर्कल जो हैं वो लोग इन्वाइटेड होंगे और ये मुझे वहाँ पर सरप्राइज़ पार्टी देंगे। तो ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि मम्मी को भी इस बारे में पता था कि कुछ बाहर सरप्राइज़ प्लान कर रहे, तो मम्मी ने भी स्ट्रिक्टली मना कर दिया, क्योंकि मेरी अभी कंडीशन ऐसी थी कि कभी मैं बीच में थोड़ा शॉपिंग करने चले गई थी, तो जबकि मैंने शॉपिंग वॉपिंग कुछ किया नहीं था, बस वहाँ पे मैं गई थी, हल्का चली ही, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ज़्यादा चलने की कंडीशन में नहीं हूँ, बाहर ज़्यादा मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, ज़्यादा रह नहीं पा रही हूँ, मतलब सफोकेशन हो रही, अच्छा नहीं लग रहा है, लो फील हो रहा है, मुझे घर जाने का मन कर रहा है, बिल्कुल लोनस सी आ रही है, ये वो है। तो फिर मम्मी ने भी मना कर दिया कि बेटा जो बाहर सरप्राइज़ भी प्लान किए वो भी कैंसिल कर दो, क्योंकि एनिवर्सरी वो तो ज़िंदगी में आती ही रहेगी, ये तो होता ही रहेगा, ये तो मनता ही रहेगा, अभी रिस्क मत लो, अभी फालतू तुम्हारा चौपट होगा, होते प्यार से प्लान करके तुमको लेके जाएगा, पता चला कि तुम वहाँ पे तुम लोग एंजॉय नहीं कर पाए, तुम्हारे कारण पूरा एनिवर्सरी बर्बाद होगा, और जो लोग आए होंगे उनका भी मूड ख़राब होगा, कुछ वहाँ पे हो गया तुम लोग एंजॉय कर नहीं पाओगे, पैसे बर्बाद होंगे, कुछ ये सब प्लान ठिकाना होगा। तो ये सारी चीज़ें चौपट हो गई हैं, तो अब क्या करें, अब होता है ना, सबके साथ होता है, ठीक है। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी थी, ये फर्स्ट क्या सेकंड होगी, थर्ड होगी, जितनी भी एनिवर्सरी होगी वो तो हमेशा हम धूमधाम से ही मनाएंगे, हमेशा अपने इच्छा से बेटर ही बनाएंगे। तो दोस्तों बात करते करते घर से कॉल आ गया था, तो मेरा वीडियो भी इसमें कट हो गया, तो मैंने सोचा कि यार बात करते करते मेरा भी हाथ दर्द रहा था, तो मैंने भी इसको बढ़िया सेट कर दिया ताकि आराम से। ए कुकी हट ना यार, ये बार बार डिस्टर्ब करती है, शांति से बात नहीं करने दोगे बेटे, जाना भी तुम क्या क्या करने गई थी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे आपने क्या फ्लैश का मारा था? मैं आ गया हूँगा वहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। तो दोस्तों यही मेरा दुख था, आप क्या बताऊँ कि यार जो प्लान भी प्लान करते गए थे, यार ये प्लानिंग अभी की नहीं थी, पहले से सब प्लान था, लेकिन वक्त आने के साथ साथ चीज़ें चेंज हो गई, अब क्या क्या कर सकते हैं। मम्मी ने भी मना कर दिया कि नहीं बाहर मत जाओ, और फिर मुझे भी लगा कि नहीं सही है, क्योंकि ये बोले कि नहीं तुमको बाहर जाना भी सही नहीं है, अभी कंडीशन खराब ही है। और मैं बता दूँ ये बेड का भी क्या था, कि ये बेड भी पहले मेरे तरफ से गिफ्ट था, कि कम से कम मेरे नाम से गिफ्ट रहेगा, कि मैंने कम से कम सरप्राइज़ गिफ्ट कुछ किया है, तो ये उसका क्रेडिट भी मेरे मम्मी पापा ले गए हैं, वो भी क्या कहते, तो मम्मी पापा ने बोलते कि मेरी तरफ से कर लो तुम कुछ, और मैंने कुछ प्लान और कुछ किया ही नहीं था, मेरे तरफ से यही प्लान था बेड, तो वो भी मम्मी पापा ने क्रेडिट ले लिया, मैं सारे पे चौपट हो रहा है। डालिंग क्या कुछ बड़बड़ा रहे डालिंग, तुम हो ना। हाँ क्या चौपट होगा, तुम हो हम है, अगर मैं हूँ तो क्या चौपट होगा, क्या मतलब है, हम मैं चौपट हूँ क्या, तो एनिवर्सरी तो हर दिन है। हाँ दोस्तों देखिए, तो प्यार होना चाहिए, प्यार है वो तो हर चीज छोटी छोटी चीज सेलिब्रेट करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे भी कोई वो नहीं है, लेकिन वो हुआ ना कि थोड़ा कोई बात नहीं, और ये इतनी बड़ी खुशी वाली बात है, ये गुड न्यूज की ही चक्कर में चीजें हो रही है। बस यही है सबसे बड़ा मुद्दा, प्रेगनेंसी नहीं होता तो चीजें अलग होती, माहौल अलग होता, और
सब कुछ अच्छा होता डालने। हाँ वही मम्मी ने भी मेरे समझाया कि बेटा एनिवर्सरी तो चलता रहेगा धूमधाम से, तो लोग नेक्स्ट ईयर धूमधाम से मनाना। अभी क्या, अभी तुम थोड़ा तो कंडीशन खराब है अभी देखो, क्योंकि घर में भी तो पूरा कैंसिल हो गया ना, घर पे करेंगे ना बाहर करेंगे। घर में भी करने से क्या है ना कि मेरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मुझे देखना होगा क्या बन रहा है, खाने पीने की तैयारी, खाने पीने का ये जो भी फंक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं उसमें थकान हो जाती है। जब थकान होती है ना तो मुझे बिल्कुल बहुत ज्यादा खराब लगने लग रहा है। कंडीशन तो हम लोग जान रहे हैं 24/7 मैं रहता हूँ ना, ये मतलब 1% का भी काम कर ले तो फिर समझिए दो इनकी हालत खराब होने वाली है। जैसे कि कल पूरा बैठ ही आया था, बैठ के काम में भी मैं इन्वॉल्व थी, मतलब कुछ कर नहीं रही थी लेकिन फिर भी इन्वॉल्वमेंट एक हो जाती है ना, आप खड़े खड़े देख रहे हो बैठ रहे हो या थोड़ी चीज़ें में इन्वॉल्व, उसी में ही मेरी तबीयत लो हो गई थी तो बीच में थोड़ा सा लेट गई थी। तो इस कंडीशन में सब करना बेकार है। तो सारी चीज़ें कुल मिला के एनिवर्सरी की चौपट हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी का दस्तूर यही है, चीजें होती रहती है ना। ये हाँ ये है, ये पेट निकल रहा है मेरा, आगे बढ़ रहा है। तो जल्द से जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। इसको ये खुशखबरी आने वाली है ना, तो क्यों ये सब चीजें तो चलती रहेंगी, तो लंबे दिनों तक तो खुशखबरी चलने वाली है, तो मजे मजे है। तो ये सब चीजें कोई बात नहीं चलती है। बस यही दोस्तों, आपके साथ अपना मेरा दुखड़ा शेयर करना था। आप ही लोग मेरे हमदम दमदम सारे गम के राज गम सब कुछ आप ही ये कौन सा हम हम था? ये है हम और सारे गम सब है दमादम। हाँ जानो हर टाइप के फेज आते हैं। यहाँ के डायलॉग बाजी मारिए, सब्जी हिलाई है, कुछ डायलॉग बाजी मार रहे हैं तुम, बोले इधर आके मारो। हाँ क्या लाइफ में ना हर टाइप के फेज आते हैं, और अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट फेज है हमारा प्रेगनेंसी, और उसी को लेके हम लोग पूरी तरीके से एकदम सतर्क जिसको बोलते हैं अलर्ट है कि हर चीज़ अच्छे से हो जाए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, टाइम से हो जाए, पूरा जितना ध्यान देना हो उस पर ध्यान दे रहे हैं। तो बीच में छोटी मोटी चीज़ें कोई बात नहीं, छोटी मोटी चीज़ें नहीं है लेकिन अच्छी लगती है, चलो ठीक है कोई बात। और नहीं कल बेड आया है, कल का एक्सपीरियंस भी शेयर नहीं किया ना कि वो बेड में फीडबैक दिए नहीं ना, पर कल बेड आया है उसमें सोए तो रात कैसी बीती कुछ तो बताइए, मैं बताऊंगी अमला बताइए। रात को क्या हुआ एक्चुअली, हम लोग खाना पीना खा के जैसे ही बेड पे गए तो और सब दिन क्या होता था, जब वो वाला बेड था तो नॉर्मली हम लोग के 2 या 3 बज जाते थे सोते सोते, मोबाइल देखते देखते कुछ भी इंजॉय करते करते गपशप करते करते। कल तो बेड पे गए और मैं इधर सोया कुकी भी उधर सोई, तीनों आदमी इतना मजे से सोए, मैं तो मतलब एक बार आंख बंद हुआ और आंख कब खुला, सुबह में 8:30 में। और मैं बताऊं दोस्तों कि मेरे को तो प्रॉब्लम भी हो रही थी बेड के चक्कर में, क्योंकि मेरा बैक पेन कर रहा था जब से प्रेगनेंसी हुई है ना मेरी, तब से मेरा बहुत बैक पेन कर रहा था। तो ये भी वजह थी, सबसे बड़ी वजह थी कि बेड लेना था उस चक्कर में, और खासकर मैट्रेस भी अच्छा वाला लेना था ताकि मैं सो सकूं, क्योंकि मेरे बैक पेन बहुत हो रहा था इस चक्कर में, ना सो नहीं पाती थी, ये सब दिक्कतें हो रही थी। तो मेरा वो भी हो गया है। हाँ कल से तो लगा कि छुटकारा हो गया, और मुझे एक बार भी पेन नहीं किया, मैं बहुत अच्छी नींद सोई हूँ, बहुत अच्छे से उठी, बहुत रिलैक्स। और कुकी भी जिस डायरेक्शन में सोई थी ना सुबह उसी डायरेक्शन में मिली मेरे को, रात में थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे की, ये भी बहुत घूमती थी रात में, मतलब फुल ऑन मजे इंजॉय किया हम लोगों ने कल रात। तो डेली इंजॉय करना है तो वो फीकी हो जाएगी डेली इंजॉय करते करते, फर्स्ट डे का इंजॉय ही अलग होता है। अब मेरा चढ़ा हुआ है, क्या क्या सब्जी है, पत्ता गोभी, आलू मटर पत्ता गोभी की सूखी सूखी सब्जी बन रही है ना, एक तरफ सांभर चढ़ा जिसमें वही मिक्स वेज गाजर बैगन आलू मटर जितने भी ग्रीन वेजीज वगैरह सब डाल के दाल से मिक्स करके सांभर बनाते हैं, वो बन गया है। और सुबह की दाल पूरी की पूरी बची है, बता दो दोस्तों क्या हो, कल हम लोग चिकन खाए थे, कल बैठ आया था ना, आपको दिखाया नहीं है ब्लॉग में, लेकिन इस खुशी में चिकन बढ़िया बना था तो चिकन बच गया था, तो इन्होंने चिकन से पूरा खा लिया। और मैंने भी सुबह सुबह नाश्ते इन्होंने इतना टंच खिला दिया था मुझे कि ना मेरा खाना खाने का ज्यादा मन नहीं था, तो खाना फिर भी खाया, तो मैंने थोड़ा सा दाल लिया था फिर चावल फिर मैंने मिक्स करके खा लिया, तो सुबह की दाल भी पूरी बच्ची है। तो कुल मिला कितने सारे आइटम। हाँ क्या बदतमीजी कर रही है कुकी, वो अंदर के साइड घुस के, कुकी बाहर निकलो, ये देखती है ना कि ब्लॉगिंग में बात कर रहे हैं, फोन किसी का आधा बात करते ना, इधर से नहीं निकलोगे, बहुत ज्यादा परेशान करती है, पीछे से निकलो कहां घुस गई, कैसी लड़की है यार ये, चलो क्या चलो कैसे घुस गए अंदर में, वहां बैठना नहीं है, निकलो से निकलो 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 इतना अंदर में। तो दोस्तों मैं क्या बोल रही थी, मैं ये सब बातें कर रहे थे ना, वो खाने के बारे में। हाँ खाने के बारे में, तो बस दोस्तों यही रहा है। अभी क्या है कि दिन का चावल भी बचा हुआ है, तो इतना भी चावल नहीं है कि हम दोनों को हो जाएगा, तो सोच रहे हैं कुकी को दे देंगे, वो इतना है कि कुकी का मस्त हो जाएगा। ऐसा क्या,
वही तो रोटी चावल में समय सोच रहे क्या बनाए, वही कुछ बनाएंगे और खाएंगे बढ़िया, है ना। तो खाने मिले कि ही ब्लॉग एंड करें, ब्लॉग एंड करते हैं ना। काफी लंबा चौड़ा ब्लॉग बन गया है ना। तो दोस्त अपना दुख मैंने अपने साथ शेयर कर दिया, अब क्या करूं, आप लोग तो मेरे साथी साथी मेरे बोल साथी चुके, बोल चुके। हाँ, कितना बोल चुके, कितना हाओ करो, हाँ 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 ठीक है, हाँ हाँ मेरा दर्द है, ऐसे मत करो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। मेरा पति भी दिखना चाहिए ना भाई, फुटेज में आना चाहिए। तो दोस्तों कल मिलेंगे, आई होप हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे ब्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एक मिनट इंग्लिश में भी आता है मुझे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। थैंक यू। ओह माय गॉड, इतनी इंग्लिश, इतनी इंग्लिश। देखिए, तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय।